Assalamualaikum. Today we start the lecture for class 9th metric, and today we have the topic is exercise problem 4.1. Student 4.1 में हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक कार है जिसका एक्सेलरेशन हमें मालूम करना पड़ेगा, जबकि इसका जो मास है वो 900 kg है, जबकि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 2700 न्यूटन लग रहा है. हमें इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ेगा. स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे ये डेटा तो देख सकते हो, हमें मास 900 kg मिला हुआ है, फोर्स हमें 2700 न्यूटन लग रहा है, जबकि हमें एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ेगा. स्टूडेंट एक्सेलरेशन को हम मालूम करने के लिहाज से हम स्पेशली एफ इक्वल एम ए वाला इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमने ये कहाँ से ड्राइव किया, हमने ये स्पेशली न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से ड्राइव किया. इसके लिहाज से अगर हम यहाँ से ए को बाहर निकालेंगे हमारे पास ये बन जाए एफ इक्वल एम ए के, एफ इक्वल टू ए एच इक्वल एफ अपन एम हो जाएगा. जिसकी जगह तो एफ था उसकी जगह हमने 2700 लिख लिया, जिसकी जगह एम है उसकी जगह हमने 900 लिख लिया. हमें आंसर आएगा 3 m/s स्क्वायर. उसके साथ हमारे पास ये प्रॉब्लम नंबर 4.2 है, हमें ये कह रहा है कि एक हमारे पास कार है जिसका मास है वो 1000 kg है, वो ट्रेवल कर 72 km/h से यूनिफॉर्मली बड़ा रेस्ट आ रहा है, उसके बाद डिस्टेंस जो कवर करे वो 40 m कवर है. फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, हमें एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज ब्रेकिंग फोर्स मालूम करना पड़ेगा. उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मास में कितना हुआ, 1000 kg मिला हुआ है, हमें इनिशियल वेलोसिटी 72 km/h है. उसमें आपको मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 km/h जो बराबर था वो 5/18 के बराबर होता है, जिसकी जगह 1 km/h है उसकी जगह पे आप 5/18 लिख सकते हो, इसका आंसर आएगा 20 m/s. अगर आप ऐसा नहीं कर सकोगे तो आप लोग को चाहिए कि जिसकी जगह किलोमीटर है उसकी जगह पर हम 1000 लिख लें, और जिसकी जगह पर 7 आवर है इसकी जगह पर आप 3600 लिख लें. इसको आप सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे 72 सेम रहेगा अपनी जगह पे. अगर आप इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करोगे आपका जो आंसर आएगा वो 20 m/s आएगा. हमें फाइनल वेलोसिटी 0 मिला हुआ है, हमें डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा, डिस्टेंस हमें मिला हुआ है 40 m, जबकि हमें एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज ब्रेकिंग फोर्स ये दोनों मालूम करना पड़ेगा. स्टूडेंट आपको पता होना है हमने यहाँ पे ये कौन सा इक्वेशन यूज़ किया, हमें न्यूटन थर्ड इक्वेशन मोशन यूज़ किया, वो किसके बराबर होता है 2a² v² - v² के बराबर होता है. 2 यहाँ पे सेम है, ए सेम है, एस की जगह 40 लिख लिया, वी एफ उसका जगह 0 लिख लिया, -20² लिख लिया. हमें जो आंसर आएगा वो हमें स्पेशली ए उचित -5 m/s² रहेगा. एफ को भी हमें स्पेशली सेम इक्वेशन लगाएंगे जहाँ हमने इक्वेशन नंबर प्रॉब्लम 4.1 सॉल्व किया था. सो एफ इज इक्वल एम ए, मगर हम यहाँ से एफ तो हमें बाहर ना करना पड़ेगा, इसकी वजह से एफ यहाँ पे ये बाहर है. एम की जगह हम 1000 लिख लिया, ए की जगह हम -5 लिख लिया, इसका हमें जो आंसर आएगा -5000 N आया. उसके बाद हमारे पास ये प्रॉब्लम नंबर 4.3 में ये कह रहे हैं एक हमारे पास बुलेट है, इसका मास है 50 g है, ट्रैवल कर रहा है वो 50 m/s कर रहा है, पेनिट्रेट बैग, उसके बाद ये बैग में पेनिट्रेट क्रॉस कर रहा है, उसके बाद ये रेस्ट मारे, जबकि उसका टाइम लग रहा है 0.05 s लग रहा है. उसमें हमें पार्ट ए में हमें ये कर रही है जो हमारे पास बुलेट है वो सैंड के बैंड के अंदर कितना ये क्रॉस करके गया, पेंटर करके गया, और उसके बाद हमें यहाँ पे ये एक्सेप्टेड एवरेज एक्सेप्टेड फोर्स मालूम करना पड़ेगा. स्टूडेंट आपको देखना है मास में कितना है, 50 g लगा हुआ है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने में 1000 से 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे, हमें जो आंसर आएगा वो 0.05 आएगा. नीचे वेलोसिटी हमें 50 m/s मिला हुआ है, फाइनल वेलोसिटी हमें 0 मिला हुआ है, टाइम हमें 0.05 मिला हुआ है, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमें डिस्टेंस हमें स्पेशली एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ, मैंने वी एफ टाइम के बराबर है, वी एफ की जगह पर 0 - vf को 15, टाइम की जगह पर 0.05 को 15 को 0.05 डिवाइड करेंगे, हमें जो आंसर आएगा -300 m/s करेगा. उसके बाद हम न्यूटन थर्ड इक्वेशन मोशन यूज़ करेंगे, 2a² v² - v² 2 यहाँ पे सेम है, ए की जगह -300 s सेम है, वी एफ उसका 0 - vf की जगह 15 r² हो जाएगा. इसके लिए हमें आंसर रहेगा -600 s वो चीज़ को -225 आएगा, -5 दोनों सर पर कैंसिल हो जाएंगे. s को अगर हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा 225/600, हमारे पास आंसर रहेगा 0.375 m. उसके साथ सर हमें यहाँ पे एफ भी आप लोग ये सॉल्यूशन कर सकते हो, एफ यहाँ पे हमें एफ वो चीज़ को एम की जगह पे 0.05, ए की जगह पे -300 में आंसर आएगा -50 n आएगा. उसमें हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम नंबर 4.5 हम ये कर एक हमारे पास फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा है 120 n फोर्स लग रहा है, जिस पे जो हमें टाइम लग रहा है वो 4 s लग रहा है. उसके बाद हमें ये ऑब्जेक्ट ये करें उसका जो वेलोसिटी 36 m/s है, हमें इसका मास मालूम करना पड़ेगा. स्टूडेंट आप लोग यहाँ डेटा देख सकते हो, हमें फोर्स कितना लगा हुआ है, फोर्स जो हमें मिला वो 120 n मिला हुआ है, टाइम 4 s मिला, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 36 है, हमें मास मालूम करना पड़ेगा. इसको इसमें स्पेशली एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ मैंने वी अपन टाइम के बराबर है, वी एफ की जगह 36 - vf की जगह 0, टी की जगह 4, हमें जो आंसर रहेगा 9 m/s. उसका एफ इक्वल एम ए, हमें अगर हम यहाँ पे एम को बाहर निकलना पड़ेगा
एफ इज इक्वल ए बन जाएगा, एफ की जगह 120, ए की जगह 9 डिवाइडेड बाई मैं रहेगा 13.3 के जी आएगा, इसका आंसर आएगा वो 13.3 के जी आएगा। स्टूडेंट आज के लिए आपको डायरी है वो प्रॉब्लम नंबर 4.5, प्रॉब्लम नंबर 4.6 एंड प्रॉब्लम नंबर 4.7 आपको चाहिए कि आप लोग ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आप अपने ग्रुप में इस क्लास 9th और मैट्रिक में भेज दें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।